मूवी के स्टार्ट में हमें एक मैदानी जंग दिखाया जाता है जो लोगों के टुकड़े हुए जिस्मों से भरा हुआ होता है, जिसमें से होता हुआ अकेला प्रीस्ट दूसरे प्रीस्ट की तरफ जाता है जो मर चुका होता है और उसके हाथ से डेमन गॉड पजुजू की छोटी मूर्ति लेने लगता है। तभी वो प्रीस्ट जाग जाता है और उसे वो लेने से मना करता है लेकिन फिर मर जाता है, जिसके बाद प्रीस्ट मूर्ति को उठाता है तो मंजर बदलते दिखाया जाता है कि सब मरे हुए अब उल्टे हुए क्रॉस से लटकाए गए हैं। टाइम गुजरता जाता है और नेक्स्ट सीन में 1949 में इजिप्ट के शहर कायरो में रहता मेरिन दिखाया जाता है जो पहले प्रीस्ट होता था लेकिन अब वो आर्कियोलॉजिस्ट यानी ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ने वाला बन गया होता है, जिसकी वजह उसके फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। दरअसल मेरिन वर्ल्ड वार टू में नेदरलैंड में था कि एक दिन नाजीज के एसएस कमांडर ने उसके सामने मेरिन को चॉइस दी कि वो 10 लोगों को पसंद करके मरवा दे वरना कमांडर सबको मार देगा, और मेरिन के पास और कोई चारा ना होने पर वो छोटे बड़े और बूढ़ों में से 10 लोगों को पसंद कर देता है जिन्हें कमांडर उसके सामने बड़े ही बेरहमी से मार देता है, और मेरिन के बहुत दुआओं के बावजूद कोई नहीं बचता, जिस पर मेरिन का गॉड पर से यकीन खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में मेरिन से मिलने एंशियंट चीजें जमा करने का शौक रखने वाला ऑफिसर सिमिलियर आता है जो उसे ब्रिटिश कीनिया के टुर्काना रीजन में मौजूद एक वैली डिराटी का बताता है जिसमें 500 AD यानी हजारों साल पहले जब क्रिश्चियनिटी कीनिया पहुंची भी नहीं थी तब का चर्च जमीन से निकला है, जिसमें से सिमिलियर एक रेलिक ब्रिटिश आर्मी के हाथ लगने से पहले चाहता होता है जिसकी तस्वीर दिखाता भी है, और मेरिन इन चीजों का शौक रखता हिस्ट्री जानने के लिए और पैसों के लिए फौरन कीनिया पहुंच जाता है जिधर उसकी मुलाकात फादर फ्रांसिस से होती है जो असलन ईस्ट अफ्रीका में तबलीग के लिए भेजा गया था लेकिन अब वो चर्च की रखवाली के लिए कीनिया आ गया था, और फ्रांसिस टूर गाइड च्यूमा के साथ मेरिन को चर्च के पास लेकर जाता है। वहाँ वो तीनों चर्च को देख कर तीन बातों पर हैरानगी जाहिर करते हैं। पहली ये कि चर्च पुराना होकर भी सही हालत में था जैसे उसे बनाते ही दफनाया गया हो। दूसरी ये कि चर्च के पास ही कब्रिस्तान है जिसके बारे में बताया जाता है कि वैली में एक बीमारी आई थी जिससे सब मर गए थे और उन्हें वहाँ दफना दिया गया था लेकिन कब्रिस्तान के करीब कोई चर्च क्यों बनाई गई। तीसरी ये जब वो तीनों अंदर जाते हैं तो उन्हें सब कुछ सही हालत में मिलता है, साथ ही उन्हें लूसिफर की पेंटिंग और बहुत से स्टैचूज भी देखने को मिलते हैं जिसमें से एंजल्स के बारे में वो नोट करते हैं कि सबकी वेपन्स बाकी चर्चेस के जन्नत और गॉड की तरफ इशारे करते ऊपर होने के बजाय नीचे की तरफ थे जैसे वो नीचे किसी को रोक रहे हों। मजीद ये कि वहाँ मौजूद क्रॉस भी उल्टा किया होता है। ये सब देखने के बाद मेरिन वहाँ के लीड आर्कियोलॉजिस्ट बेसियन का पूछता है तो उसे बताया जाता है कि वो पागल हो गया था इसलिए अब करीबी एसाइलम में है, और च्यूमा मेरिन को उसके वहीं लगे टेंट में लेकर जाता है जहाँ उन्हें बिखरे सामान में पजुजू की तस्वीरें बने दिखती हैं, साथ ही उन्हें एक बहुत पुरानी जबान लिखी मिलती है जो लोगों को अब नहीं आती होती। सारा से बेस्टियन के बारे में पूछता है तो सारा उसकी बीमारी ना समझ सकने का बताती है, साथ ही बात करते हुए मेरिन की तरह अपने नाजिस के हाथों टॉर्चर होने का बताती है, और मेरिन उससे भी बातें करके वापस अपने रूम में आ जाता है। उसी रात वैली में कुछ अजीब होता है जिस पर दिखाया जाता है कि फ्रांसिस के प्रे करते हुए बार बार उसका क्रॉस उल्टा हो जाता है जबकि दूसरी तरफ दो भाई जेम्स और जोसेफ खेल रहे होते हैं कि वहाँ हाइनास आते हैं जो जोसेफ को बिल्कुल नजरअंदाज करके जेम्स को उसके सामने खा जाते हैं जिस पर जोसेफ सदमे में आ जाता है, इसलिए उसे सारा के पास हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और सारा अगले दिन बताती है कि उसे बेसियन की तरह जोसेफ का भी मसला नहीं समझ आ रहा। मेरिन ये सुनकर बेसियन से एसाइलम में मिलने जाता है जहाँ बेसियन उसके आने का जानता हुआ उसी का वेट कर रहा होता है, और उसके आने पर मेरिन कमांडर की आवाज निकाल कर बात करता है फिर अपने सीने पर कोई निशान बनाता है और कहता है कि मैं आजाद हूँ, और अपना गला काट कर मेरिन के सामने खुदकुशी कर लेता है। मेरिन को एसाइलम के फादर मिलते कैथोलिक रिचुअल्स की किताब देते हैं जिसमें एक्सोसिज्म के तरीके होते हैं, और ये किताब इसलिए दी होती है क्योंकि उनके ख्याल में पेसियम ने डीमन से कॉन्टेक्ट किया था
था, जिसकी वजह से वो पागल हो गया था और अब डीमन मैरिन के साथ भी यही करना चाहता होगा, इसलिए उसे बचने के लिए बुक की जरूरत होगी। मैरिन वो बुक लेकर चला जाता है और रात होने पर वो बैस्टियन की चर्च के बारे में बनाई तस्वीर लेकर चर्च में जाता, तस्वीर को फॉलो करता नीचे जाता है जहाँ पिसुजु की मूर्ति मिलती है जिसका दिल नहीं होता। साथ ही उसे इंसानों के सैक्रिफाइस की निशानियाँ भी मिलती हैं। उधर विलेज में चीफ की बीवी के घर मरा बच्चा पैदा होता है और दूसरी तरफ जेफरीज पर भी कोई हमला करके उससे मार देता है। जबकि सारा जोसेफ के पास मौजूद होती है तो उसे अजीब ख्वाब आते हैं, साथ ही उसका बेवजह खून निकलने लग जाता है और वो ये सब मैरिन के आने पर उसे बता देती है, जिस पर मैरिन को बाकी सब की तरह जोसेफ पर शक नहीं होता बल्कि वो सब समझने की कोशिश करने लग जाता है। मैरिन पहले डीमन के ये सब करने वाली थ्योरी से इत्तफाक नहीं करता होता, लेकिन अब वो चर्च में जो देखकर आया होता है उससे उसका यकीन पक्का नहीं हो रहा होता और वो अभी भी इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करने का सोचता है। इसलिए वो कब्रिस्तान जाकर उसमें से कब्रें खोदने लगता है जो खाली निकलती है, जो देखकर मैरिन गुस्से में सारा से बात करते फ्रांसिस के पास जाता है और उससे सच पूछता है। फ्रांसिस उसे वैली की तारीख बताता है कि 1500 साल पहले दो प्रीस्ट आर्मी लेकर यहाँ बुराई की जड़ ढूंढने आए थे, लेकिन डीमन ने उन पर काबू पाकर सबको एक दूसरे के हाथों मरवा दिया था और ये वो सीन है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। इसके बाद के बारे में फ्रांसिस बताता है कि जब एक ही बच्चा प्रीस्ट वापस आया था तो एम्परर ने वहाँ चर्च बनाने का हुक्म दिया था और फिर उसने उसको दफना दिया था ताकि ईविल वहीं फंसा रहे और चर्च का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, लेकिन 1893 में कुछ लोगों को पता चला था, इसलिए 4 प्रीस्ट आर्मी लेकर वहाँ आए थे लेकिन गायब हो गए थे, जिसके बाद लोकल पॉप ने हुक्म दिया था कि वहाँ बीमारी की स्टोरी बनाकर कब्रिस्तान बना दिया जाए ताकि लोग वहाँ ना आए। और फ्रांसिस वहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसने सुना था कि लूसीफर जब जन्नत से निकाला गया था तो वो इस वैली में लैंड हुआ था। साथ ही उन्हें उसी वक्त पता चलता है कि जोसेफ को वैली के लोगों ने डीमन समझकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसे डीमन ने बचा लिया था। ये सब जानकर मैरिन वहाँ से चला जाता है और अगले दिन ही उसे बाकी सबके साथ जेफरीज के मरने के बाद के असरात मिलते हैं, जिस पर उसे फ्रांसिस के साथ ये लगता है कि शायद विलेज के लोगों ने ही जेफरीज को मार दिया होगा, क्योंकि वो चर्च को उनकी खुशियां खत्म होने की वजह समझते हुए उसे नीचे ही रखना चाहते थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने उसे मार दिया। यही समझते हुए फ्रांसिस मसला हल करने के लिए वहाँ के निगरान मेजर ग्रैनविल से रब्ता करता है, जिस पर मैरिन को एतराज होता है क्योंकि वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता होता, लेकिन मेजर आर्मी लेकर वैली आता है और मैरिन के बात ना मानते हुए चर्च जाता है जहाँ जेफरीज की दिल के बगैर बॉडी लटकी होती है, जिसको देखते ही मेजर डीमन के असर में वैली के चीफ को मार देता है, जिसके बाद हर तरफ लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद जंग छिड़ जाती है, जिसमें से बचते हुए मैरिन च्यूमा और फ्रांसिस को निकाल कर जोसेफ को बचा कर चर्च ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वैली के लोग वहाँ नहीं जाते और खुद वो मिट्टी का तूफान देखकर सारा को बचाने जाता है, जहाँ उसे सारा के कमरे में खून से निशान लगे दिखते हैं और रैलिक भी मिलता है। साथ ही उसे सारा की शादी की तस्वीर दिखती है जिसमें उसका हस्बैंड बैसियन दिखता है, जिस पर मैरिन डॉट्स कनेक्ट करता है कि जोसेफ डीमन के असर में हो नहीं सकता क्योंकि वो कभी चर्च गया ही नहीं, इसलिए सारा खुद डीमन के असर में होते हुए उसे इस्तेमाल कर रही थी। दूसरी तरफ मैरिन की बात सच होते सारा डीमन ने बदल दिए फ्रांसिस को मार देती है और जब मैरिन जंग में से होता चर्च में आता है तो वो उसका मजाक उड़ाती है और मैरिन सब नजरअंदाज करके अपना गॉड पर यकीन वापस लाता फादर की दी बुक खोलकर एक्सोरसिज्म शुरू करने लगता है, जिसके दौरान रोकने के लिए डीमन उसे फ्रांसिस की लाश दिखाई डराने की भी कोशिश करता है, लेकिन मैरिन हार ना मानते हुए डीमन को सारा के अंदर से निकाल देता है, जिसमें सारा मर जाती है। मैरिन जोसेफ को लिए दफन हो चुके चर्च से बाहर निकलता है और उन्हें सब मरे दिखते हैं, यानी तारीख दोबारा दोहराई गई होती है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मैरिन सिमिलियर से मिलता उसे रैलिक ना मिलने का बताता कहता है कि उसे अपना गॉड पर यकीन वापस मिल गया है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।